जानवरों की क्रूर हत्या दुखद है, ये सीधी तरह से हत्या है। शाकाहार मिलने के बावजूद मांसाहार करना दुखद है, ये थोड़ी इनडायरेक्ट हत्या है। लेकिन शाकाहारी होने के बावजूद चमड़े से बने उत्पाद का उपयोग करना दुखद है, और ये पूरी तरह से हत्या है। अब आप अपना दुख स्वयं चुन लें। लेदर शूज, लेदर जैकेट्स, लेदर का पर्स, लेदर बैग्स, लेदर सोफा और लेदर का बेल्ट, इन सब चीजों को खरीदकर शायद अमीर वाली फीलिंग आती होगी। लेकिन अगर इस वीडियो को पूरी देखोगे तो पता चलेगा कि ये सब खरीद के इंसानियत के नाम पे कितने गरीब हो गए हो। आपकी खरीदी गई उन चमड़े की चीजों से उन जानवरों का खास नाता था, मगर आपको कहाँ पता कि इस चमड़े के लिए किसी बेजुबा जानवर की चमड़ी उधार ली गई थी और बेरहमी से उसे मारने के लिए छोड़ दिया गया था। लेदर मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 प्रेपरेशन, स्टेज 2 टैनिंग और स्टेज 3 क्रस्टिंग। जानवरों की खाल को निकालकर उसे सबसे पहले साफ करने के लिए उस पर नमक लगाया जाता है। इस नमक को हटाने के लिए फिर इनको पानी में डाल दिया जाता है। ये नमक लगाने का काम खाल निकालने के 5-6 घंटे बाद किया जाता है, नहीं तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। नमक हटाने के बाद खाल पर केमिकल लगाकर बाल को अलग किया जाता है। इसके बाद सुखाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बहुत सी महंगी ब्रांड्स जैसे लुई विटन, जो लग्जरी लेदर बैग्स बनाती है, उसमें मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल के साथ कितनी बेरहमी से पेश आया जाता है वो भी देख लीजिए। क्यों 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 इस तरीके से आंखें मोड़ रहे हो? अगर इनका दर्द देख पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो तो लेदर खरीदना बंद करो और ये अवेयरनेस फैलाओ कि आगे आपके दोस्त आपके रिलेटिव भी ना खरीदें। मगरमच्छ से जो बैग्स बनते हैं उसके लिए मगरमच्छ की गर्दन काटकर उनकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ रॉड डाली जाती है। सोच रहे होगे कोई कैसे इतना इनह्यूमेन हो सकता है? ये इनह्यूमेन शब्द शायद उन पे ज्यादा लागू होता है जो ये सब खरीदते हैं, जो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। लुई विटन का टर्नओवर $54.5 बिलियन, गुची का €267 मिलियन, प्राडा का $3.91 बिलियन। अगर आज जो इस वीडियो को देख रहा है वो 10 लोग और को भी बताए ना, तो आज कई मासूम बेजुबा जानवरों की जान हम बचा सकते हैं। सिर्फ इसे देखकर दुख जताने से या आंखें मीच के कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ करके इस बात को फैला के उन जानवरों के दर्द को समझ के ही कुछ हो सकता है। आज भी पार्टियों में अगर सब लेदर के कपड़े पहनकर आ रहे हैं और मांसाहार खा रहे हैं तो शायद वो पार्टी इंसानियत की फेयरवेल पार्टी है। इंसानियत बुरी तरह से हमें छोड़कर चली गई है, तो सावधान रहिए और चमड़े का उपयोग छोड़िए। निर्दयता के बिना भी सौंदर्य संभव है।